हेलो दोस्तों, हम आपको कूद कूद के पढ़ाएंगे। हम लोग बात करेंगे जो क्या यूट्यूब पे कितना सब्सक्राइबर हो जाने के बाद आपको रुपया मिलेगा, या 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद रुपया मिलता है या नहीं मिलता है, मिलता है तो कितना रुपया मिलता है। ये सारी चीज़ आप लोग को इस वीडियो में हम पूरा डिटेल के साथ आप लोग को बताने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर रमन सिंह पे। दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूब के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, फेसबुक के बारे में सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कैसे इससे रुपया कमाया जाता है, तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के बारे में ए टू जेड जानकारी आपको दिया जाता है। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लिखे हैं कितना सब्सक्राइबर पर रुपया मिलता है, ठीक है। ये बहुत सारे व्यक्ति के मन में डाउट रहता है और वह सोचते रहता है वीडियो को लाइक करने से पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये आपके मन में जो भी डाउट होगा सभी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपको बता दें YouTube का जो क्राइटेरिया है वो है आपको 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, वहीं पे 4000 घंटा वॉच टाइम। घंटा कहने का मतलब हुआ 24 लाख मिनट। कितना? 24 लाख मिनट वॉच टाइम पूरना चाहिए। साथ में आपको 90 दिन के अंदर आपका क्या होना चाहिए, तो आपका जो है 5 वीडियो कम से कम अपलोड होना चाहिए। ये क्या है? YouTube का क्राइटेरिया है। इतना चीज है तो आपका चैनल क्या होगा? मोनेटाइजेशन होगा। जिस व्यक्ति को मोनेटाइजेशन के बारे में मतलब नहीं पता है तो उसको बता दे, जब तक आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होता है तब तक आप उससे अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो अर्निंग करने के लिए आपका चैनल मोनेटाइजेशन करना, जब 2015 से पहले नियम था YouTube का, आप चैनल बनाइए और डायरेक्ट आप रुपया कमाना शुरू कीजिए। लेकिन बाद में जाके, क्योंकि बहुत सारे प्रत्येक दिन लाखों संख्या में यूट्यूब पर चैनल बनता है, तो इसीलिए यूट्यूब अपना कुछ एक क्राइटेरिया दिया जो इतना दिन तक क्या, क्योंकि आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पुराने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर इतना पुर जाता तो उसके बाद आपका सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये इसलिए दिया ताकि उस व्यक्ति को देखा जाता जो क्या वो यूट्यूब पर काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद क्या रुपया मिलेगा, इसके बाद बहुत सारे व्यक्ति के मन में ये भी डाउट था, क्या 1K सब्सक्राइबर अगर हो जाए तो क्या पैसा कमाना शुरू कर देंगे? तो इसका जवाब है नहीं, आप नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, YouTube का कुछ अलग अलग नियम है। आपको इस चैनल पे हम सभी चीज़ बताते रहते हैं, इसलिए आप लोग को बीच बीच में बोलते रहते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को देखा कीजिए, नहीं तो बाद में आपका चैनल हो सकता है डिलेक्ट हो जाए, कोई मिस्टेक कर दीजिए। इससे पहले अपडेट के बारे में आपको बताए हैं, तो आप लोग जाके देखा कीजिए। देखिए, 1000 सब्सक्राइबर पूर जाने और 4000 वॉच टाइम हो जाने के बाद आपका चैनल क्या हो जाएगा? मोनेटाइजेशन हो जाएगा। मोनेटाइजेशन हो जाने के बाद क्या होता है, अधिकांश व्यक्ति का प्रत्येक वीडियो पर आपका 10 व्यू, 30 व्यू, 50, 100 ऐसे यानी कि व्यू आते रहता है। तो देखिए, अगर 100 व्यू आता है तो आपका अर्निंग कितना होगा? मुश्किल से 2 से 3 रुपया होगा। मुश्किल से 2 से 3 रुपया आपका अर्निंग होगा, जो कि आपको पीछे वाला वीडियो में आपको हम बताए हैं जो कितना व्यू पे कितना रुपया मिलता है, आप जाके देख सकते हैं। तो 3 रुपया आप कमाइएगा और YouTube का नियम है जो आपके अकाउंट में 8000 से अधिक रुपया, मतलब कि 100 डॉलर आपका पूरना चाहिए, ठीक है। कितना? 100 डॉलर आपका होना चाहिए, तब जाके वो क्या करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा को भेजेंगे। तो ये 100 डॉलर, 3-3 रुपया अगर आपका प्रत्येक दिन बढ़ रहा है तो सोचिए कम से कम 1.5 साल आपको लग जाएगा, तब जाके आपके अकाउंट में रुपया आएगा और आप सोचिएगा जो 1000 रुपये पूरेगा सब्सक्राइबर और रुपया कमाना छापना शुरू कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये कन्फर्म रहिएगा आपको। यानी कि 1000 सब्सक्राइबर सिर्फ इसलिए पुराना है ताकि आपके चैनल मोनेटाइजेशन हो जाए, उसके बाद आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि अधिक से अधिक व्यू जाए, और अधिक से अधिक व्यू अगर आपका जाता है तब जाके आपका अर्निंग होगा। और थोड़ा सा वीडियो भी क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, जिसमें कि 8 मिनट से अधिक लंबा वीडियो होना चाहिए ताकि उस पर अधिक से अधिक ऐड आए। क्योंकि पता होगा आपको, YouTube आपको रुपया कोई ना तो लाइक का देता है। बहुत सारे व्यक्ति के मन में ये भी डाउट रहता है, क्या वीडियो को लाइक करने से पैसा मिलता है? तो आपको बता दूँ, ना ही लाइक का रुपया देता है, ना ही सब्सक्राइबर का रुपया देता है, आपको सिर्फ और सिर्फ रुपया मिलता है तो वह यूट्यूब पर जो ऐड चलता है उसका रुपया मिलता है। तो आपके वीडियो में जितना व्यू जाएगा उतना सारा ऐड चलेगा, और जितना ऐड चलेगा उतना आपका क्या होगा, अर्निंग बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए जो ऐसा वीडियो बनाए जिसपे क्या हो, अधिक से अधिक क्या हो, व्यू आए। आप व्यू लाने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका अर्निंग होना शुरू होगा, और जब आपका तेजी से अर्निंग होना शुरू होगा तब आप 1000 सब्सक्राइबर पर भी रुपया कमा सकते हैं। तो
उम्मीद करते हैं आपके मन में ये जो डाउट था, क्या 1000 सब्सक्राइबर पर रुपया मिलना शुरू हो जाता है, ये आपका दूर हो गया होगा। जो 1000 पे मिलना तो शुरू होता है, लेकिन आपका फर्स्ट पेमेंट आते आते आपका 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर कितनों धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर आपका हो जाएगा, तब जाके आपका पैसा आने वाला। क्योंकि मेरा पहले का जो चैनल था एक्सेंट मैथ क्लास, उस पर यानी कि 1500 पे चैनल मोनेटाइजेशन हो गया था, क्योंकि 1000 पढ़ने के बाद वो HTM नहीं पूरा था, तो 1500 जाने के बाद वो क्या हुआ था, मोनेटाइजेशन हुआ था। लेकिन पेमेंट आते आते उस पर 5000 सब्सक्राइबर हो गया था, 4 महीना हमको लग गया था कितना, ये $100 पुराने के लिए, ठीक है। तो इस चैनल पे भी आप लोग देख सकते हैं अभी 780 सब्सक्राइबर हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए जो इस चैनल पे भी तेजी से क्या हो, सब्सक्राइबर को आप लोग बढ़ाइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तेजी से तेजी इस चैनल को भी हम क्या करें, मोनेटाइजेशन कर सके, और टेक चैनल के बारे में भी आपको फुल डिटेल बता सके। क्योंकि जब एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चैनल के बारे में भी, जो टेक चैनल से कितना अर्निंग होता है, तो उस पर भी आपको हम वीडियो बना के दे देंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।